हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 दिनों से जो आई आपदा है, जिला सिरमौर भी उससे अछूता नहीं रहा है। जिला सिरमौर में पिछले 10-15 दिनों से लगातार नाहन में और नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांव में बिजली, पानी, सड़क सभी तरफ अव्यवस्था का आलम बना है। लेकिन आज के समय में बार बार एक ही बात का आलाप रटा जा रहा है कि आपदा आ गई, आपदा आ गई, आपदा आई है। निश्चित रूप से वर्षा हुई है और भारी वर्षा हुई है, तो क्या इस वर्षा के नाम पे आप 15-15 दिन, 20-20 दिन पूरे क्षेत्र की जनता को बिजली से, पानी से महरूम रखेंगे? नाहन विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से अगर नाहन नगर क्षेत्र की बात करें तो लगभग 15-20 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे तीसरे दिन पानी आ रहा है। और पानी का भी कुछ दिन पहले उन्होंने टैंकर लगाने की एक प्रक्रिया शुरू की, टैंकर अपने चहेतों को दिए। और इतनी आपदा के बीच 15 दिन हो गए, आज भी नाहन शहर में पानी की व्यवस्था सही रूप से नहीं चल पा रही है। इसका मतलब सीधे सीधे यही लगता है कि वर्तमान सरकार और वर्तमान विधायक और सिरमौर का प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। और विधायक जी की तो क्या बात करें, वो बीच बीच में जनता का ध्यान भटकाने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। और अगर सीधे शब्दों में कहें तो विधायक जी तो मिस्टर इंडिया की भूमिका में है। नाहन में जो पेयजल की समस्या है वह बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। और मैं सरकार को कहना चाहूंगा, प्रशासन को कहना चाहूंगा कि अगले 24 घंटे के अंदर नाहन में जैसे पहले पानी की व्यवस्था रहती थी, 24 घंटे पानी मिलता था, यदि आप वैसी सुचारू व्यवस्था चलाने में कामयाब नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन का रुख अख्तियार करने में भी कोई देर नहीं लगाएगी। 15 दिन का समय हमने इनको दिया लेकिन कोई उनके कान पे जू नहीं रखती। विधायक महोदय तो सत्ता का लुत्फ उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मिस्टर इंडिया की भूमिका में घूम रहे हैं। और उनके साथ के जो लोग हैं वो बार बार एक ही अलाप रख रहे हैं कि आपदा आ गई, आपदा आ गई, आपदा आ गई। इसका हल भी तो सरकार को करना है। पिछले 15 दिनों से नाहन का हर गली, मोहल्ला, कुचा सब पानी से वंचित है। कहीं तीसरे दिन थोड़ा सा पानी दे दिया और पीठ थपथपा ली। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नाहन में पानी आ गया, गांव की सभी सड़कें हमने बहाल कर दी है, लेकिन वहां गांव के लोगों से वास्तविकता पूछो, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इतनी बुरी दशा में नाहन विधानसभा क्षेत्र को लाकर खड़ा कर दिया है। और ये तो बिल्कुल 20 से 25 साल पुराना नाहन क्षेत्र बन के दिख रहा है, जहाँ पानी के लिए लोग तरसते थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।